M1 न्यू बोर्ड को ट्रेस किया तो इसकी सेकेंडरी लाइन फुल शॉर्ट है। अब हम इसकी फुल टेस्टिंग करेंगे। ये हमारा ग्राउंड और ये हमारी वी बैट की प्लस की लाइन और ये हमारी लीगेज आ रही है इस पर, देख सकते हैं। अब हम इसकी सेकेंडरी लाइन चेक करेंगे। ये हमारा ग्राउंड और ये हमारे कैपेसिटर जो है वो बहुत बहुत सेट से, हमें दोनों साइड से ग्राउंड ही दिखा रहे हैं। इसकी सेकेंडरी लाइन फुल शॉर्ट है तो हम इसकी शॉर्टिंग निकालते हैं और चेक करेंगे फिर हमारा फ़ोन ऑन होता है कि ऑन नहीं होता है। तो गाइस सील उखाड़ी है तो इसके अंदर पानी निकला है, तो वाटर डैमेज फोन है। तो इसको वॉश करके क्लीन करके और फिर चेक करते हैं ये फोन ऑन होता है या नहीं ऑन होता है। ये हमारी VPH लाइन एकदम ओके हो चुकी है, पानी की वजह से हमारा एक कैपेसिटर यहाँ से शॉर्ट हो गया था जिसको मैंने अभी रिमूव कर दिया है। तो गाइस सबसे चेक करते हैं कि ये फ़ोन हमारा ऑन होता है या नहीं ऑन होता है। तो गाइस ये हमारा फ़ोन 100% ऑन हो गया, आई मीन सक्सेसफुल ऑन हो चुका है और हमारी प्रॉब्लम काफ़ी निकली। यहाँ से एक कैपेसिटर शॉर्ट था इसका वाटर डैमेज, इसलिए कोई भी फ़ोन आता है सबसे पहले आपको ये सील्ड निकाल के चेक कर लेना है कि फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि अब देखो मैंने जब सील्ड निकाली तो मुझे इसके नीचे पानी मिला और ये फ़ोन इतनी ईजिली ऑन हो गया। तो गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, मैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देता रहूँगा, जितना भी मुझसे बनेगा मैं उतनी ही नॉलेज वीडियो आपको देता रहूँगा।